जाए। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सीवर के अंदर हमारे लोग इनह्यूमन काम करते हुए अंदर दम तोड़ते हैं, तो क्या हमारी सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा कि इस पे भी कोई इन्वेंशन होनी चाहिए? क्या किसी को कभी शर्म नहीं आती? लोग इतने इनह्यूमन काम लोगों से ही करवाते हैं। सब जानते हैं कि सीवर के अंदर मिथेन गैस बनती है और उसमें लोग अपनी जान गंवा जाते हैं। उसके बाद भी आज तक देश की सरकारों ने इस पे काम क्यों नहीं किया? क्या इस पे चिंतन नहीं होना चाहिए? जब इस पे चिंतन करेंगे तो सारी बातें निकल के आएंगी जो भी मेरे मित्र आर एस प्रवीण कुमार जी बोल रहे थे। पहले तो हमें इंसान समझना तो शुरू करो यार, हम भी इंसान हैं। बराबरी का दर्जा सबको चाहिए, केवल कुछ ही लोगों के लिए विकास का रास्ता क्यों बने? सरकारें होती क्यों हैं? सरकारें थोड़ी ना सबके घर में खाना पहुंचाती है। सब लोग अपनी मेहनत से अपना घर चलाते हैं। मैं समझता हूं सरकारें होती इसलिए हैं कि जो काम इंसान खुद ना कर सके उसको पॉलिसी बना के सरकार उस रास्ते को सुगम बनाए। जैसे दिल्ली के अंदर हमने सीवर मशीन पे काम किया, मैं खुद हैदराबाद भी गया, तभी आपसे भी मिला था, वहाँ जो मशीनें काम कर रही थी उसको भी देखा। दिल्ली के हिसाब से जो मॉडिफिकेशंस करवाने तो वो करवा के हमने 200 सीवर क्लीन मशीनें 200 मशीनें खरीदने का टेंडर किया, और जो लोग अपनी जान गंवाते थे या जो सफाई के काम से जुड़े लोग थे उन 200 लोगों को उन मशीनों का मालिक बनाया। बिना किसी गारंटी के, बिना किसी उसके, उन लोगों को हमने बैंक से लोन दिलवाया। आज मुझे खुशी है कि वो मशीन आने के बाद दिल्ली में सीवर के अंदर लोगों का उतरना बंद हो गया है, अब मशीनों से सीवर साफ हो रहे हैं। लेकिन चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, अभी भी प्राइवेट बिल्डिंग में मॉल के अंदर सेप्टिक टैंक के अंदर लोग घुसते हैं और अपनी जान गंवाते हैं क्योंकि वहाँ ये मशीन नहीं जा सकती। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं केरला गया था अभी जुलाई में, वहाँ पर उन्होंने रोबोट बनाया है, लेकिन वो हमारे दिल्ली के परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस के लिए हम लोगों ने बोला है। तो ये जो स्कीम बनी, मैं समझता हूँ ये सरकार का काम है, सरकार ही बना सकती है। पिछले दिनों जैसे ही मैंने ओथ ली एज ए मिनिस्टर तो कुछ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर हम लोग पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छे हैं, हम लोग आईएएस बनना चाहते हैं। उनमें कुछ बच्चे थे जो इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते थे, उन्होंने कहा सर आजकल एग्जाम ऐसे डिजाइन होता है कि अगर केवल रूटीन क्लास पढ़ के 12वीं और फिर ग्रेजुएशन करके आप जाओगे तो आप कभी भी वो एग्जाम पास सिविल सर्विसेज का या जुडिशरी का, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिजाइन इस तरह से हो रहा है। ऐसे लगता है एक नेटवर्क काम कर रहा है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ कहीं ना कहीं कुछ अंडरस्टैंडिंग है। आपका जो पढ़ाया जा रहा है आपको कोर्स में, उससे हटके 40% उससे आ रहा है, 60% बाहर से आ रहा है, तो फिर बच्चे जो रेगुलर स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं वो बच्चे तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली इसलिए कोचिंग की ज़रूरत है, और कोचिंग में जो जितना फीस चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा हमारे पास है नहीं, हमारे पेरेंट्स के पास। तो सर आप सरकार में होने हैं, आपसे ये सवाल है कि क्या हमारी प्रतिभा ऐसी दम तोड़ देगी कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? तभी हमने सोच लिया कि हम एक स्कीम बनाएंगे, और हमने स्कीम बनाई, उसको नाम दिया जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। और दूसरा चैलेंज ये था, योजना बना दी, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, और उसके घर से सपोज करो 20 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट है, और वहाँ तक आने जाने में मान लो 2-2.5 हज़ार रुपया खर्च होता है। अब सरकार पैसे कोचिंग सेंटर को दे देगी पढ़ाई के लिए, लेकिन आने जाने का नहीं मिलेगा, माँ बाप वो खर्चा उठा नहीं सकते, तो बच्चा कोचिंग लेने जाएगा कैसे? तो हमने उसमें क्या किया, 2,500 रुपया पर बच्चे को स्टाइपेंड देना शुरू कर दिया, ताकि उसको किराए की वजह से पढ़ाई छोड़नी ना पड़े, अपनी कोचिंग को कर सके। और मुझे खुशी है पहले साल के अंदर ही उस कोचिंग से, कोचिंग का लाभ उठा के हमारे बच्चे
आईआईटी दिल्ली में जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के बेटे का सिलेक्शन हुआ पुलकित केजरीवाल का, उसी कॉलेज के अंदर एक मजदूर के बच्चे जिसके मदर फादर झाड़ू पोछे का काम करते हैं, उस बच्चे का उसी आईआईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन हुआ हमारी। ये मैंने एक बच्चे का नाम बताया, ऐसे कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और जैसे ही स्कीम को अखबार में लोगों ने पढ़ा कि ऐसे ऐसे बच्चे क्वालिफाई करके आए, तुरंत एक गांधी फैमिली एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक बच्चे की फीस का खर्चा मैं उठाना चाहता हूँ जो आईआईटी में हुआ है। एक साल का 2 लाख खर्चा है, 4 साल का कोर्स है, 8 लाख का खर्चा है। तो हमने उसको बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने 2 लाख का चेक तुरंत काट के उसके बच्चे को दिया। एक बच्चे का लेडी हार्डिंग में शशि का आया मेडिकल के लिए, मैंने भी उसको कह दिया भाई इस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, और मैंने भी उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सिलेक्ट कर लिया। एक और आए, उन्होंने एक बच्चे को कर लिया। अब एक मेरे पार्टनर जो आजकल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं, उन्होंने कहा इतनी अच्छी स्कीम है, गरीब बच्चे यार मैं भी चाहता हूँ एक बच्चा मुझे भी दे दो। तो इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, मान लो हमारी कोचिंग लेके बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया, अब उसका मान लो 4-5 लाख रुपये, 8 लाख रुपये, 10 लाख रुपये उसकी आगे की 5 साल की या 4 साल की पढ़ाई का खर्च है, वो कहाँ से करेगा। तो वैसे तो दिल्ली सरकार ने स्कीम बनाई है 10 लाख का लोन बिना गारंटी, सरकार की गारंटी पे हम लोग दिलवा रहे हैं, और जैसे वो अपना कोर्स पूरा कर ले उसके 6 महीने बाद उसको रिटर्न करना है। लेकिन जो बच्चे सक्षम, जो पेरेंट्स सक्षम हैं, जो लोग सक्षम हैं जिनकी अच्छा अपना घरेलू स्थिति अच्छी है, अगर वो बच्चे इंस्पायर होकर आते हैं और वो एक एक बच्चे का भी खर्च उठा ले, तो मैं समझता हूँ पूरे देश में लाखों बच्चों का खर्च उठाने की हिम्मत हमारे लोगों के देश के लोगों में। मैं कहना चाहता हूँ जैसा उन्होंने कहा, अपने ऊपर भरोसा करो और ये मान लो कि आप बेस्ट हो, और बेस्ट बनने का प्रयास करो, केवल मानने से भी काम नहीं चलेगा। पहले ये मान लो मैं किसी से कम नहीं हूँ, और फिर ये मान लो मुझे बेस्ट बनना है, उसके बाद ईमानदारी से मेहनत करो, तो मैं समझता हूँ कोई बाधा आपके जीवन में छोटी मोटी आएंगी जरूर, लेकिन अगर आप ईमानदारी से डेडिकेशन से अपनी मेहनत करोगे तो आपका हाथ पकड़ के आगे आपको ले जाने के लिए बहुत सारे आरएस प्रवीण कुमार जी जैसे लोग या और जो हमारे साथी हैं उनमें से बहुत सारे लोग निकल के आएंगे जो उनको आगे बढ़ने का रास्ता बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम यूथ फॉर सोशल जस्टिस ने किया है, इसका एक पर्पज होना चाहिए कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करें, और आप लोग अपने अंदर मतलब ये विश्वास पैदा करो कि आप किसी से कम नहीं हो, और ये भी तय करो कि जैसे आर एस प्रवीण कुमार जी जैसे इंस्टीट्यूट वहाँ चला रहे हैं तेलंगाना में, मुझे लगता है तेलंगाना के बच्चे भी यहाँ काफ़ी लोग बैठे हैं, वहाँ से पढ़ के आप आ रहे हो आज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में आप पढ़ रहे हो, कल को आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनोगे या कुछ और बनोगे, तो सोच लेना कि अगर आपको एक इंस्टीट्यूट ने बनाया है, अगर सरकार के जनता के समाज के पैसे से पढ़ के आप वहाँ तक पहुँचे हो, तो आप जब आप पहुँच जाओगे तो ये सोचना कि पे बैक टू द सोसाइटी। अगर आपको जब आप कामयाब हो जाओ तो आप ही इसी तरह के 10-20-50 बच्चों की मदद करना, तो मैं समझता हूँ हम लोग सफलता तक जरूर पहुँचेंगे। और जो बच्चे हमारे बेस्ट हैं वो बच्चे अपनी मेहनत करके जनरल कैटेगरी में अप्लाई करें, मैक्सिमम कोशिश करो, अगर आपको लगता है आपके अंदर दम है जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो, क्योंकि आपको याद होगा 2 साल पहले जो 2016 बैच में तीना डाबी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में टॉप किया, वो शुरू कास्ट बच्ची थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया, और आपको ताजुब होगा अगर आप उसके इंटरव्यू के नंबर देखोगे तो उसके इंटरव्यू के नंबर 150 से भी कम है, और जो तो लास्ट रैंकर है जनरल कैटेगरी के उनके 225-225 तक नंबर है इंटरव्यू में, तो इतना गैप तो वैसे हो गया इंटरव्यू में कम नंबर मिलने की वजह से, उसके बावजूद जो दूसरे नंबर पे है, भला ऐसा एग्जाम्पल कम मिलेगा आपको, जो दूसरे नंबर पे है उसके 45 नंबर कम है टीना डाबी से, तो कितना बड़ा गैप है, मतलब कितने ज़्यादा मार्जिन से उस लड़की ने टॉप किया है, इसको आप देखिए, वो एक एग्जाम्पल है। और पिछली साल वाले सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे ने टॉप किया, 2 साल पहले जेई मेन के अंदर हमारे बच्चे ने टॉप किया, इसका मतलब ये हुआ कि जाति और धर्म से कोई योग्यता बंधी हुई नहीं है, योग्यता मेहनत से हासिल की जा सकती है, आपके अंदर योग्यता हासिल करने की लगन होनी चाहिए, काम को करने का जज्बा होना चाहिए,
उसके बाद कोई आपको आगे आने से रोक नहीं सकता। तो अपने अंदर अपने ऊपर भरोसा करें और एक टीम के साथ रहें, गलत संगत में ना रहें। जैसे उन्होंने कहा शराब पीने वालों के साथ बैठोगे तो संभावना यह है कि आप भी शराबी बन जाओगे। तो अच्छा तो ये है कि आप अच्छे लोगों में बैठो, पढ़ने लिखने वालों में बैठो, टाइम मिले तो जो सोशल सर्विस कर रहे हैं उनके साथ बीच बीच में बैठो। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र हमारे यहाँ आते रहते हैं तो हमारे यहाँ 200-300 लोग अक्सर मीटिंग चलती रहती है, तो क्या है कि लगातार एक सिस्टम बन रहा है, वहीं से कुछ बच्चे निकल के फिर आगे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम आपका फोरम कर रहा है, ये अच्छा अवसर है कि अपने लोगों को एकजुट करने का और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का। साथ ही साथ किसी के साथ कोई समस्या हो तो उसको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हो, कोई दिक्कत हो तो हम हैं, है ना, फोरम तो है ही। फोरम के साथ जो हम जैसे लोग जुड़े वो आपके साथ हैं, आपकी समस्या के लिए दूर करने के लिए आपके साथ, मजबूत स्तंभ आपके साथ में है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत समझो, मेहनत, लेकिन मेहनत किए बिना काम चलने वाला नहीं है। और साथ में मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करूँगा कि आपने मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। मैं यही समझे रामदास कॉलेज में ग्रेजुएशन किया मैंने रोड के उस पार, और रामदास कॉलेज से ग्रेजुएशन करके सामने एकदम फिर रोड क्रॉस करके कैंपस लॉ सेंटर से मैंने लॉ किया। और ये जिस जगह ये आज ये सोशल इंस्टीट्यूट साइंस का बना है, सोशल साइंस का, ये पूरा जंगल था जब बीच से हम निकल के आर्ट्स फैकल्टी जाया करते थे, तो आज ये जंगल में मंगल हो गया है और ये एक आंदोलन का केंद्र बन गया है, मानवता का केंद्र बन गया है और युवाओं को नई रोशनी दिखाने का केंद्र बन गया है। और मैं समझता हूँ प्रोफेसर रमेश कुमार जैसे और उनकी पूरी टीम यहाँ पर लगातार एक सूर्य की तरह प्रकाश देती रहेगी, अंधेरे को उजियारा करती रहेगी और हम लोग निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और ये गुलामी की जो जंजीरें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ के हमको आज़ादी दिलाई उसका पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने बाके दबे कुचले समाज को आगे लेके आएंगे। और ये बॉन्डेड लेबर जो अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं देश के अंदर, अभी भी जो एक्सप्लोइटेशन चल रहा है, अभी भी कई सरकारों में जो चल रहा है उसको भी हम लोग दूर करेंगे। और साथ ही साथ सभी लोगों से एक निवेदन करूँगा कि अपनी आँखें खोलिए, अंधेरे से उजियारी में आइए। अभी तो एक झूठ चलाया जाता है और सब उस झूठ के पीछे चलने लग जाते हैं। इस तरह चलने से कुछ किसी की राजनीति तो चल सकती है कुछ दिन के लिए, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। उससे देश को आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी की ज़रूरत है और एक दिन ईमानदारी की जीत होगी। और मैं समझता हूँ ईमानदारी के प्रहरी आप सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग समाज को मजबूती देने का आने वाले समय में काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेट करके जो लक्ष्य लेके आप कॉलेजेस के अंदर आए हैं अपने उस लक्ष्य के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। उसके बाद समाज को भी आगे ले जाने की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।